नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सर्वाधिक देखे जाने वाला प्राइम टाइम कार्यक्रम आर पार। क्या एक ही तरह के अपराध को देखने का दो अलग अलग नजरिया हो सकता है? यह सवाल आज मैं इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि आज आर पार में पुलिस की सुरक्षा में हुए दो हत्याकांड की बात होगी। शनिवार की रात को पुलिस सुरक्षा के बीच छठे हुए माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की मीडिया के कैमरों के सामने दर्दनाक मौत हो गई, हत्या कर दी गई। इस हत्या के तीनों आरोपी उसी वक्त अरेस्ट कर लिए गए। निश्चित तौर पर इस केस में पुलिस की चूक है, इसमें कोई दो राय हो ही नहीं सकती और इसका सच सबके सामने आना भी चाहिए। लेकिन 24 फरवरी को भी उसी प्रयागराज में पुलिस सुरक्षा के बीच उमेश पाल की भी हत्या हुई थी, लेकिन जितना हंगामा आज खड़ा किया जा रहा है, उमेश पाल की हत्या पर उतनी छातियां नहीं पीटी गई। सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि अतीक अहमद के एक केस में उमेश पाल अहम गवाह थे, जबकि दूसरी तरफ अतीक अहमद और उसका भाई अशरफ दोनों छठे हुए माफिया और गुंडे थे। इनके ऊपर अपहरण, डकैती, मर्डर जैसे संगीन अपराध का आरोप भी था। अतीक के खिलाफ तो 100 से ज्यादा एफआईआर भी थी। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जैसा आक्रोश आज हमें देखने को मिल रहा है, वैसा उमेश पाल की हत्या पर नहीं देखने को मिला। तो आज इसी दोहरे मापदंड पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, क्योंकि ये दोहरे मापदंड क्यों है? क्योंकि क्या उमेश पाल पर सब मौन थे और इस पर सब गुस्से में आक्रोशित है? आज आर पार में इसकी मैं विस्तार से बात करूंगा और सच भी बताऊंगा और आपके साथ एक संवाद भी करूंगा, क्योंकि व्यूअर्स कोई इस हत्या को जस्टिफाई नहीं कर सकता, लेकिन क्या उमेश पाल की हत्या को जस्टिफाई किया जा सकता था? क्योंकि वहां सब चुप थे, मौन थे, शांत थे और यहां सबने हंगामा मचाया हुआ है। सवाल सिर्फ एक ही है और वो सवाल ये है कि क्या एक ही तरह के अपराध को देखने के दो अलग अलग नजरिए हो सकते हैं? क्या आज का आर पार इसी पर करेंगे व्यूअर्स। चलिए मेरे साथ कौन कौन जुड़ रहा है उससे मैं आपको रूबरू कराऊंगा, लेकिन पहले विश्लेषण देख लेते हैं। आर पार का सुप्रसिद्ध विश्लेषण देखेंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट। जिस प्रयागराज में माफिया अतीक और उसके भाई अशरफ का खौफ बोलता था, उसी प्रयागराज में दोनों मिट्टी में मिल गए। शनिवार रात करीब 10:30 बजे पुलिस दोनों का मेडिकल करवाने पहुंची, लेकिन अस्पताल के गेट पर ही मीडिया से बात करते हुए फिल्मी अंदाज में दोनों की हत्या कर दी गई। मीडियाकर्मी बनकर हत्याकांड को अंजाम देने वाले अरुण मौर्य, लवलेश तिवारी और सनी सिंह गिरफ्तार हो चुके हैं। हत्याकांड की जांच के लिए एसआईटी बना दी गई, लेकिन सवाल है कि इस हत्या के पीछे असली हाथ किसका? क्योंकि अतीक के भाई अशरफ ने 28 मार्च को बड़ा बयान दिया था। आज मुझे इलाहाबाद में धमकी दी गई है, हाँ, कि 2 हफ्ते के अंदर तुम्हें फिर से जेल से किसी बहाने से निकालेंगे, हाँ, और निपटा देंगे। हाँ, ये किसने दी है? किसने? एक बड़े अफसर ने दिए, मैं उनका नाम नहीं ले सकता। माननीय चीफ जस्टिस को और इलाहाबाद के चीफ जस्टिस को और माननीय मुख्यमंत्री को मेरा बंद लिफाफा। सवाल है कि आखिर लिफाफे में किसका राज छिपा है? क्या इस लिफाफे का हत्या से कोई बड़ा लिंक है? अखिलेश यादव और उनकी सरकार और उसके पूर्व की सपा की और बसपा की सरकार के पाले हुए ये माफिया थे, उसके बहुत सारे दुश्मन थे और किस दुश्मन ने कैसे कब बदला ले लिया। लेकिन जरा सियासत का नजारा भी देख लीजिए। हम खुशी मना रहे कि मरने वाला मुसलमान है तो कोई बात नहीं। क्या चल रहा है देश में? जिसको मर्जी मार दो, जिसको मर्जी काट दो, अगर जुडिशियरी का कस्टडी में कोई है
वो भी अगर विटनेस के लिए जाते हैं तो उधर में भी लोगों को जैसा तरीका से मार देता है। हम क्राइम का पक्ष में नहीं हूँ। बाकी सरकार को सूचना चाहिए कि इस तरह की घटना होती है तो सूचना बहुत चाहिए। अपराधियों का सफाया मैंने मार दीजिए उसको, ये कोई तरीका है इसका? मतलब जो जेल में जाएगा तो उसको मार दीजिए, तो ये तो बड़ा ही दुखद बात है। सुनियोजित तरीके से हत्या की गई है। बिहार के डिप्टी सीएम ने तो माफिया अतीक के लिए अलग ही सम्मान दिखाया। विवाद हुआ तो फिर सफाई में बोले कि अपराधियों से कोई हमदर्दी नहीं। ये अतीक जी का जनाजा नहीं बल्कि ये जनाजा जो था कानून का जनाजा जो है वो निकला है। सवाल है कि अगर पुलिस से कहीं चूक हुई तो इसकी पुख्ता जांच होनी ही चाहिए, लेकिन जैसी सियासी हाय तौबा अतीक, अशरफ और असद के मामले में मची है, वैसी ही उमेश पाल के मुद्दे पर क्यों नहीं हुई? इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। माफिया की मौत पर सियासी मातम। और अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का, दो हत्याओं पर दोहरे चरित्र का विश्लेषण। व्यूअर्स आइए नजर डालते हैं। उमेश पाल पुलिस सुरक्षा में हत्या पर हायतोबा नहीं, पुलिस सुरक्षा में हत्या पर सियासी भूकंप, सियासी तूफान। राजू पाल के मर्डर केस में सबसे अहम गवाह थे उमेश पाल। व्यूअर्स अगला पॉइंट ये है, राजू पाल मर्डर केस में अहम गवाह थे अतीक और अशरफ। उमेश पाल अपहरण केस में अतीक को उम्र कैद हुई थी, एक आरोपी था एक गवाह था। पुलिस की मुस्तैदी पर सवाल उठा उमेश पाल की हत्या पर। अतीक और अशरफ पर कहा गया कि यूपी में कानून का राज समाप्त हो गया है। उमेश पाल में किसी ने धर्म का मुद्दा नहीं उठाया, किसी ने जात का मुद्दा नहीं उठाया, लेकिन अतीक और अशरफ में मुसलमानों पर जुर्म वाला नैरेटिव सेट करने का प्रयास है। कोई इस हत्या को जस्टिफाई नहीं कर सकता जो अतीक अहमद और उसके भाइयों के साथ हुआ, लेकिन क्या उमेश पाल की हत्या को कोई जस्टिफाई कर सकता था? बड़ा सवाल यह है कि सुविधा की सियासत देखकर आक्रोश और खामोश का पैमाना तय हो जाता है, यह आज आर पार का मूल सवाल है। मेरे साथ बात करने के लिए कई खास मेहमान है। शरमणि त्रिपाठी है मेरे साथ, रिजवान अहमद है मेरे साथ, अमीक जमई है प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के है, शदाब चौहान है नेता पीस पार्टी के, तौसीफ खान है टीएमसी के। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है। लेकिन पहले मेरे साथ इस चर्चा में अबू आजमी जुड़ रहे हैं बातचीत करने के लिए। अबू आजमी, सवाल मेरा सीधा है, अतीक अहमद और उसके भाई की हत्या कर दी गई है, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं इस वारदात पर? हमें किसी से हमदर्दी नहीं है, लेकिन हमारे कहना है कि इस तरह से लाना, और उस दिन जो आए मीडिया से कोई आदमी अपना पुलिस के उसमें हो, कब्जे में हो, उसको हथकड़ी लगी हो, रस्सी से बांधा हुआ हो और इतना खतरनाक मामला चल रहा हो, इतनी ज्यादा पुलिस हो, फिर इसको रोक करके 10 बजे रात की मीडिया से बात कराने क्या मतलब होता है? और वो देखा गया कि वो जो लड़के आए वो पुलिस की गाड़ी में आए। और मैं सबसे पूछूं, मैं पूरे देश से कहूं कि 44 सेकंड तक गोली चलती रही लगातार, पुलिस की एक गोली भी नहीं चली, क्या मतलब इसका? मैं बिल्कुल सरकार को और पुलिस को इस कटघरे में खड़ा करता हूं कि इनकी जानकारी नहीं। अखिलेश यादव जो आपके सर्वोच्च नेता है, उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी ने भाईचारे को चोट पहुंचा रही है। अतीक अहमद की हत्या से भाईचारे का क्या कनेक्शन है? वो एक माफिया था, गुंडा था। अखिलेश भाई ने जो कहा ना, बिल्कुल सही कहा। इनका एक ही एजेंडा है कि इस देश को झूठ के नाम पर बंटवारो। हिंदू खतरे में है, हिंदू 80% सरकार चारों तरफ उनकी, हिंदू खतरे में है। ये सब हमारे हिंदू भाइयों को गलत मैसेज दे करके, गलत हिस्ट्री बता करके, सिर्फ मुसलमानों को निशाना बना करके इस देश में राजकाज करना चाहते हैं। मैं समझता हूं कि जो भी व्यक्ति धर्म को लाता है राजनीति के अंदर, वो सरकार बिल्कुल अच्छी नहीं होती। और यहां तक नहीं, सरकारों ने कह दिया है, अमेरिका में भी पूछ लिया कि मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर से आज उन्होंने कह दिया, सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने कह दिया कि सरकारें जो है ना इतना ज्यादा हेट स्पीचेस हो रही है और सरकारें जो है नपुंसक बनी बैठी हुई हैं। ये तो बिल्कुल अखिलेश भाई ने सही बात जी जी। मेरा अगला सवाल है, योगी सरकार ने हत्याकांड की जांच के आदेश दे दिए, क्या आपको लगता है कि सच सामने आएगा? मैं पूछूं कि बिल्किस बानो का केस गुजरात में नहीं चलेगा, इंसाफ नहीं मिलेगा, ये कोर्ट ने कहकर उसको महाराष्ट्र में बंबई शिफ्ट किया, इंसाफ मिल गया। और इंसाफ मिलने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट के होम मिनिस्ट्री ने
उनको कह दिया कि ये शरीफ लोग हैं, सज्जन लोग हैं, अच्छे घर के लोग हैं, इनको छोड़ दिया। कौन सा इंसाफ है ये? ठाकुर प्रज्ञा सिंह ठाकुर को एटीएस ने गिरफ्तार किया, करकरे साहब ने गिरफ्तार किया, सारी इंक्वायरीज हो गई। उसके बाद अब जितने गवाह आ रहे हैं, अब एनआईए केस देख रही है, जितने गवाह आ रहे हैं सबके सब 35 गवाह खारिज हो चुके हैं। और क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि हमें बंदूक लगाकर, यानी महाराष्ट्र की एटीएस ने बंदूक लगाकर इनसे गलत बयान लिया था, और मजिस्ट्रेट के सामने 164 का बयान भी हो चुका है। अच्छा, और ये सब छूट जाएंगे। मैं क्या समझूं? सरकार जिसकी बैठी है, संविधान की धज्जियां उड़ाकर जिसको चाहे सजा दे दें, जिसको चाहे मरवा दें, जिसको चाहे उसकी उसकी जो है सारे गवाहों को हॉस्टाइल कराकर जजमेंट उसके फेवर में आ जाएगा और छूट जाएगा। तो मुझे कोई उम्मीद नहीं है। अगला, जब वो लोग पुलिस की गाड़ी में आए और उन्होंने आकर इस तरह हमला किया, पुलिस ने गोली नहीं चलाया उनके ऊपर, पुलिस ने सिर्फ दिखाने के लिए अरेस्ट किया, तो मैं समझता हूँ कि इस इंक्वायरी से कुछ होने वाला नहीं। हाँ, अगरचे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की निगरानी में, उनके अपॉइंट किए हुए को जजेस की निगरानी में इसकी इंक्वायरी हो और चीफ जस्टिस साहब ये श्योर करें कि इस इंक्वायरी पे कार्रवाई होगी, तो ही फिर कमीशन बिठाना चाहिए, वरना कोई फायदा नहीं इंक्वायरी करा के। असाउद्दीन ओवैसी, असाउद्दीन ओवैसी का आरोप है कि उत्तर प्रदेश में धर्म देखकर एनकाउंटर होते हैं, आपकी राय? अगर ये कहा जाए कि आज उत्तर प्रदेश में जो हमारे सरकार चल रही है, मुख्यमंत्री जी जो हैं वो खत्म कर देना चाहते हैं क्राइम को, तो क्या सारे क्रिमिनल खत्म हो गए? क्या अतीक और अशरफ से की तरह दूसरे क्रिमिनल नहीं है? बहुत बड़ी बड़ी लिस्ट दिया टीवी वालों ने, बहुत बड़े अखबारों में लिस्ट छपी हुई है। तो अगर ये कहा जा रहा है तो खासतौर से मुसलमानों को तबाह बर्बाद करने के फैसले तो किए जा रहे हैं। बड़ा बयान आपने दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, कि मुसलमानों को तबाह और बर्बाद करने के लिए। मैं सीधा रिएक्शन शलभमणि त्रिपाठी से लेता हूं। शलभमणि त्रिपाठी, आप सरकार में हैं और विधायक हैं, प्रवक्ता भी हैं, मेरा सीधा सवाल है, चूक हुई या चूक नहीं हुई? कोई चूक नहीं हुई अमीश भाई, कोई चूक नहीं हुई। पुलिस के लोगों ने अपनी जान पर खेलकर अतीक और अशरफ को बचाने की कोशिश की, पुलिस के लोगों ने अपनी जान पर खेलकर वहां मौजूद मीडिया कर्मियों को बचाया, पुलिस के लोगों ने अपनी जान पर खेल के तीनों हमलावरों को मौके पर सरेंडर करने को मजबूर किया। पुलिस के लोग क्या इंसान नहीं है क्या? ये 100-150 मुकदमों के जो माफिया है उनको बचाने का ठेका केवल पुलिस के पास है क्या? उनके कृत्य ऐसे है कि उन पर हमले हो रहे हैं, तो क्या पुलिस की जान नहीं है? किसान का बेटा सिपाही होता है, गरीब का बेटा दरोगा बनता है, तो क्या केवल मरने के लिए बनता है? क्या दो पुलिसकर्मी हमारे संदीप निषाद और मोहित कुमार शहीद नहीं हो गए? एक निषाद समाज का बेटा था, राजू पाल और उमेश पाल बाल समाज के बेटे थे, मोहित कुमार दलित समाज का बेटा था, क्या ये माफियाओं की गोली से मरने के लिए क्यों पैदा हुए? पुलिस ने बहुत जाबाजी दिखाई पूरी घटना में, अतीक और अशरफ को जितना मुनासिब हो सकता था अमीश भाई बचाने की कोशिश की, लेकिन क्योंकि एक सडन अटैक था उसमें नहीं बचा पाए। दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन ये मैं देख रहा हूँ कि मानवाधिकार आयोग कैसा प्रोपेगेंडा अबू आजमी साहब कड़प रहे हैं, ममता बनर्जी आंखें दिखा रही है, नीतीश कुमार तड़प रहे हैं। नहीं, अबू आजमी ने अभी कुछ देर पहले हमारे कार्यक्रम में बोला मुसलमानों को बर्बाद करने की कोशिश है। मैं कह तो रहा हूँ कि नीतीश कुमार से लेकर अबू आजमी, तेजस्वी यादव, समाजवादी पार्टी, रामगोपाल यादव किसके लिए कड़प रहे हैं? किसके मानवाधिकार आयोग के लिए, जिसके खिलाफ 150 मुकदमे थे? हम उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ की जनता के मानवाधिकार के साथ खड़े अमीश भाई, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम 24 करोड़ जनता के मानवाधिकार की चिंता करते हैं। गुंडे माफियाओं के मानवाधिकार की चिंता करना हमारा काम नहीं है, पर हाँ, ये घटना नहीं होनी चाहिए थी, घटना हुई है, इसकी जिम्मेदारी लेते हैं, कार्रवाई कर रहे हैं। हम अहिंसा पे विश्वास करते हैं, हम महात्मा गांधी पर विश्वास करते हैं, हम मानवाधिकार बाबा साहब अम्बेडकर और दीनदयाल उपाध्याय पर विश्वास करने वाले लोग हैं। हम कानून से सजा दिलाना चाहते थे और हमने दिलाई सजा, लेकिन कोई दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई, अचानक घटना हो सकती है, क्या कर सकते हैं? जापान के प्रधानमंत्री इतनी सुरक्षा मार दिए गए, राजीव गांधी जी मार दिए गए, तो अचानक अटैक था, लेकिन पुलिस के लोगों ने जाबाजी का परिचय दिया, जाबाजी से मुकाबला किया, और इसीलिए तीनों जो आरोपी थे उनको मौके पर सरेंडर करना पड़ा, नहीं तो पुलिस की गोली से वो मारे जाते। गोली क्यों नहीं चलाए? अरे कोई सरेंडर कर रहा है तो मानवाधिकार आयोग ये कहता है अमीश भाई कि जो सरेंडर कर रहा है आप उस पर गोली नहीं चला सकते। अमीश भाई का कैमरा वहां लगा हुआ था, उसके सामने वो सरेंडर चिल्ला रहे थे, तो क्या हम गोली चला देते क्या? मानवाधिकार आयोग ने तो समझाया है, ये समाजवादी पार्टी के लोग कहते हैं मानवाधिकार का पालन करो, हमने पालन किया, कांग्रेस के लोग कहते हैं मानवाधिकार का पालन करो, हमने पालन किया, इसलिए गोली नहीं चलाई। ठीक है, ये वही कहानी आप कह रहे हैं कि जो सपा और तमाम विपक्षी दल
दो दिन पहले बोल रही थी, उसी कहानी को आप दूसरे तरीके से पेश कर रहे हैं आज। लेकिन मैं रुख करना चाहता हूं अमित जवाई का। अमित जवाई, मेरा मूलतः सवाल यह है, जो घटना हुई उसको कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता, जुडिशियल कमीशन बनाया गया है, इंक्वायरी करी गई है, लेकिन मातम ऐसे मनाया जा रहा है जैसे पता नहीं क्या हो गया होता है। लेकिन क्या आपको लगता नहीं है कि दोहरे मापदंड आपकी पार्टी के भी दिखाई देते हैं? मेरा बड़ा सीधा सवाल है, डबल स्टैंडर्ड, उमेश पाल पे कुछ और, अतीक अहमद पर कुछ और, मुसलमान वाला एंगल आपके नेता लेकर आ रहे हैं बीच में? अगर मैं आपकी याददाश्त को दुरुस्त करना चाहूं जी, तो जब उत्तर प्रदेश का हमारा राजा गहरी नींद में सो रहा था तो उनको उठाने का काम माननीय अखिलेश यादव जी ने बतौर लीडर ऑफ अपोजिशन विधानसभा में ये पूरा मुद्दा लॉ एंड ऑर्डर का उठा। कानपुर देहात में एक प्रशासन के सामने एक ब्राह्मण माँ और बेटी को जिंदा जला दिया गया, फिर उस मकान पे बुलडोजर चलाया गया, और फिर उसके दूसरे दिन ये प्रयागराज का कांड होता है। प्रयागराज में जो उमेश पाल को बचाया जा सकता था, उमेश पाल को ही लेकर माननीय अखिलेश यादव जी ने सदन के अंदर जो योगी आदित्यनाथ जी को घेरा, आपको मालूम है वो कितना आग बबूला हो गए थे, और उन्होंने कहा कि हम मिट्टी में मिला देंगे। सवाल ये है अमीश भाई, आपके ऊपर भी बहुत बड़ा बर्डन है। 17 की सरकार के बाद आपने कहा कि अरे एक माफिया क्रिमिनल तो सरहद के बाहर चले गए। सवाल ये कि एक आदमी जो गुजरात की जेल में बंद है, जिसको जहन्नम कहते हैं, गुजरात की जेल जहन्नम है माफियाओं क्रिमिनल के लिए, जो प्रयागराज का कमिश्नरेट है, उसने बोला कि पूरा जो पाल को मारने की साजिश रची गई वो गुजरात से रची गई। गुजरात की जेल में उसके सहयोगी कौन थे मारने वाले? फिर इतना बड़ा हत्याकांड, कहा गया कि कमिश्नरेट बन जाएगा तो जुर्म खत्म हो जाएगा। चलो हमने आपकी बात मान ली, प्रयागराज में कमिश्नरेट बन गया। अरे कमिश्नरेट बन गया तो एलआईयू क्या कर रहा था, कमिश्नर क्या कर रहा था? आखिर उमेश पाल की हत्या को हम, उसकी जिंदगी को बचा के हम पूरी तैयारी करते, हम कह रहे हैं अतीक अहमद को आप फांसी की सजा कानून के मुताबिक होती, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन सवाल यह है कौन लोग हैं जो असद के, अतीक अहमद के परिवार के जो मददगार हैं, सत्ता में बैठे हुए हैं? 5 करोड़ के चंदा लेने की बात आई सामने, विधायक सांसद वो आपकी पार्टी से रहा, विधायक और सांसद आपकी पार्टी से रहा, आपने उसको बढ़ाया, आगे बढ़ाया, विधायक सांसद तो आप ही की पार्टी से रहा। अमीश देवगन जी, अगर आप बात करेंगे राजनीति में अपराध की ना, राजनीति में अपराध की बात नहीं, आज अतीक अहमद के राजनीति में की केशव मौर्य जी की, आज राजनीति में अतीक अहमद की बात है, केशव मौर्य का मुकाबला नहीं हो सकता ना अतीक अहमद, छठे हुए क्यों नहीं मुकाबला करेंगे? नहीं देखिए, अरे फ्रीडम फाइटर है ये दोनों लोग भाई, कौन अपराध की दुनिया के फ्रीडम फाइटर है, ये सब के सब फ्रीडम फाइटर है, अतीक अहमद हो, माननीय मुख्यमंत्री जी हो, केशव मौर्य जी हो, रिजवान अहमद को चर्चा, ये अपराध की दुनिया के फ्रीडम फाइटर है, ठीक है, रिजवान अहमद नरेटिव, अपनी बात करने दीजिए, आपने अपनी बात को रखा 2.5 सेकंड, ठीक है 10 सेकंड और ले, नहीं हो पाया भाई, बोलिए 10 सेकंड ले लीजिए, 10 सेकंड। मैं ये कह रहा हूं कि अतीक अहमद ने 5 करोड़ का जो चंदा दिया, प्रयागराज का जो मंत्री है वो कौन है, उसका सीडीआर जब्त क्यों नहीं किया? जितने भी किलर मर्डरर थे वो प्रयागराज के उस मंत्री के परिवार के पिछले 2017 के बाद से हिस्सा हैं, उसके घर में आना जाना है, परिवार में आना जाना है, तो 5 करोड़ का चंदा लेते हो, अतीक अहमद की हत्या भी करवाते हो, गजब का मामला है हमारा। रिजवान अहमद, अबू आजमी ने ठीक कहा है, जो कहा है वो जवाब दीजिएगा। नहीं, अबू आजमी ने तो बोला कि मुसलमानों के ऊपर उन्होंने प्रतिक्रिया दी, आपने सुना उन्होंने लाइव बोला, मतलब हमारे साथ कुछ देर पहले जो बातचीत थी उसमें बोला, और उन्होंने बड़ी स्पष्ट रूप से कई बातों को बोला। रिजवान अहमद, नैरेटिव बिल्ड ये किया जा रहा है मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, लेकिन क्या वो लोग मुसलमान नहीं थे जिनको अतीक परेशान करता था? क्या वो लोग मुसलमान नहीं थे जिनकी जमीनों पर अवैध कब्जा ये और इसका भाई करता था? और कई बार तो खबरें इस तरह की भी आई, हमारे पास इसके डॉक्यूमेंटेड प्रूफ है कि किस तरह से घटनाक्रम को अंजाम दिया जाता था। क्या आपको लगता नहीं है कि नैरेटिव सिर्फ एक तरफ का बिल्ड किया जा रहा है? रिजवान अहमद जी, हाँ शुक्रिया, जैन वंदे मातरम। नहीं, बिल्कुल सही बात है, पुलिस कस्टोडी थी, पुलिस वाले थे, हथकड़ी लगी थी, भाई कोई भी ये नहीं कह सकता जो हुआ ये सही हुआ, हर आदमी कहेगा गलत हुआ। और ये भी कहा जा रहा है कि भाई वो तो जेल में था, वो कॉन्स्पिरेसी में कैसे इन्वॉल्व हो सकता है, चलिए ये भी मान लेता हूं।
अरे असद तो जेल में नहीं था ना, असद का तो चेहरा देखा था ना, दाएं 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 गोलियां चलाते हुए, असद का तो चेहरा देखा था ना भागते हुए पुलिस वाले के ऊपर बम फेंकते हुए, असद तो भगोड़ा था ना, असद तो परीक्षा के जंगल में मारा गया था ना, असद के तो हथकड़ी नहीं लगी थी ना। तो यार तुम तो वहां पर भी मातम कर रहे थे कि मोटरसाइकिल की चाबी कहाँ है और नंबर कहाँ है और असद किधर से आ रहा था और कसद किधर से जा रहा था। अरे भाई तुम्हारी आपत्ति अतीक अहमद पर तभी मानी जाएगी जब चार दिन पहले तुमने असद के भगौड़े के इनकाउंटर पर सरकार की पीठ थपथपाई होती कि हमें फक्र है आप पर, उसने कानून पर भरोसा नहीं किया, उसने सरेंडर नहीं किया, आपने जंगल में घेर के उसको गोली मार दी, एक पिस्तौल मिली, एक बिलडॉग रिवॉल्वर मिला। तो यार तुम चार दिन पहले असद पे क्यों मातम कर रहे थे ये बताओ। इसका मतलब ये है कि चाहे ये करो चाहे वो करो मातम का शौक है, पहला। अच्छा कल से सुन रहा हूं ओएसी को भी सुना था कि कानून पर विश्वास है, कानून पर विश्वास है और कानून से सजा मिलनी चाहिए थी। तो भैया अफजल गुरु को तो कानून से ही सजा मिली थी ना, तो उस दिन सरकार को मुबारक दे देते, वो अफजल हम शर्मिंदा हैं तेरे कातिल जिंदा हैं। भाई उनका कातिल तो सुप्रीम कोर्ट का जज था ना, तो फिर अफजल के मामले में आज से 10 साल पहले आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा था? हाँ वो इस मारे हो रहा था कि भले पुलिस कस्टोडी में मारो, भले जंगल में मारो, भले फांसी देके मारो, जहां पर तेरा मेरा रिश्ता क्या जुड़ गया वहां पर आपके पेट में दर्द होना ही होना है। तो ये बातें उस डिबेट में किया करो जहां मैं नहीं हूं। और आखिरी बात 10 सेकंड ये बताइए कि ओएसी ने भी बोला और अभी सपा के प्रवक्ता ने भी बोला जो आए थे बड़े नेता अबू आजमी कि भैया एक आदमी को भी नहीं पकड़ा, गोली नहीं चलाई। अच्छा अगर गोली चला के तीनों को पुलिस मार देती तो पता है क्या कहते, आहा ये नंदी महाराज ने भेजे थे, 5 करोड़ का मामला था, सबूत मिटा दिए, मार दिया। अब यार मार दिया तो प्रॉब्लम, पकड़ लिया तो प्रॉब्लम, गोली चलाओ तो प्रॉब्लम, ना चलाओ तो प्रॉब्लम, फांसी से मारो तो प्रॉब्लम, जंगल में मारो तो प्रॉब्लम, अस्पताल में मारो तो प्रॉब्लम। तो भैया ये रुदाली कांड करना बंद कर दो। जी जी और मैं शदाब चौहान कोई इस किलिंग को जस्टिफाई नहीं कर सकता, लेकिन जस्टिफिकेशन के कि दो कारण भी नहीं हो सकते, दो मापदंड भी नहीं हो सकते। उमेश पाल पे अलग रुख और अतीक और अशरफ पे अलग रुख, और असद का जो एनकाउंटर हुआ वो भागने की कोशिश कर रहा था, अतीक को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, उस पे अलग रुख। यानी यहां पर जो 3 सरेंडर हुए वो तो नहीं करने चाहिए थे, वहां गोली मारनी चाहिए थी और असद पर गोली नहीं चलानी चाहिए थी। ये कैसे हो सकता है, हर चीज में डबल स्टैंडर्ड। 40 सेकेंड्स शदाब। नहीं बिल्कुल अमीश आपने सही कहा, ये डुअल स्टैंडर्ड और हिपोक्रेसी भारत के लोकतंत्र को कमजोर कर रही है। आज लोग एक तरफ लोकतंत्र की और संविधान की दुहाई देते हैं, दूसरी तरफ कहते हैं मैं मिट्टी में मिला दूंगा, और उसका रिएक्शन ये होता है कि लोग रेडिकलाइज हो जाते हैं और जय श्री राम का पवित्र नारा लगाकर कानून को धता बताकर सिर्फ पूर्व सांसद पूर्व विधायक अतीक अहमद की या अशरफ की हत्या नहीं करते, भारत के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश के कानून व्यवस्था की हत्या करते हैं। और ये गुंडे इतने रेडिकलाइज होते हैं कि कभी असदुद्दीन ओवैसी पर जय श्रीराम का नारा लगा करके गोली चलाते हैं, ये हमारे प्रदेश के लिए अच्छा नहीं है। रेडिकलाइजेशन किसी भी समाज को गर्क में लेकर जाएगा। और अफसोस तो ये होता है कि पुलिस मौजूद है, 17 पुलिस वाले हैं ऑन कैमरा, कितनी हिम्मत आ गई है। कानून का राज ने उमेश पाल की हत्या हुई वो भी दुखद है, बेशक हम उसको भी कंडम करते हैं, किलिंग को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। लेकिन उमेश पाल पर उतने आंसू नहीं निकले थे, लेकिन उमेश पाल पर उतने आंसू नहीं निकले थे, उमेश पाल पे आंसू सूख गए थे, आंसू अभी निकलने शुरू हुए हैं। मैं ब्रेक के लिए रुक रहा हूं, आर पार में वापस आ रहा हूं एक बड़े खुलासे के साथ अतीक अहमद पर और उस एनकाउंटर पर। आज भी वायरल होता है ये 2017 का बताया जाता है, तब उसने एक शादी समारोह में खुलेआम फायरिंग की थी, उस समय असद नाबालिग था। वायरल वीडियो में असद की फायरिंग पर लोग वाह वाह ही करते सुनाई देते हैं। प्रयागराज में अतीक के बेटे कैसे बवाल काटते थे, ईशान अतीक की तरह उसके बेटों को भी जेल में सड़ने की धमकी भी देता है।
अतीक की औलादें भी कम नहीं थी। जिस असद का एनकाउंटर हुआ वो स्कूल के दिनों से दादागिरी जमा था। स्कूल में असद एक चैंपियनशिप में हार गया था, जिसके बाद उसने मुकाबले के विजेता स्टूडेंट की जमकर पिटाई कर दी। इतना ही नहीं, जब इस झगड़े में शिक्षकों ने बीच बचाव किया तो असद ने उन्हें भी पीट दिया था। कॉलेज में अतीक के बेटों की बदमाशी को ख्यात रही। कॉलेज के क्रिसमस मेले पर अतीक के बेटे सैकड़ों लड़कों का हुजूम लेकर चलते थे। किसी भी स्टॉल पर मुफ्त में खा लेना, किसी भी झूले पर कई घंटे तक के लिए कब्जा कर लेना उनके लिए आम बात थी। अतीक की दबंगई एक बार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कैंपस में देखी। अतीक खुद यूनिवर्सिटी पहुंचा था, टीचर्स को पीटा था। इसी मामले में उसे 2017 में जेल भेजा गया। 2017 के विधानसभा चुनाव में अतीक को समाजवादी पार्टी ने कानपुर से टिकट दिया। अतीक चुनाव का बिगुल फूंकने 320 गाड़ियों के काफिले को लेकर कानपुर पहुंचा था। इस काफिले में अतीक खुद 8 करोड़ की कीमत वाली विदेशी गाड़ी में बैठा था। वहीं उसके काफिले में 150 से ज्यादा SUV थी। अतीक जेल में रहा या जेल के बाहर, उसके जुर्म का सिक्का चलता रहा। सलाखों के पीछे रहकर गुनाह की सल्तनत चलाने में वो माहिर था। देवरिया जेल से जुड़ा अतीक का किस्सा सोच से परे है। जेल में बैठकर अतीक ने लखनऊ के कारोबारी मोहित जायसवाल से उगाही की। मोहित के अपहरण के बाद जेल ले जाकर उनके हाथ पैर तोड़वाने के आरोप अतीक और उसके बेटे उमर पर लगे। अतीक को देवरिया जेल से बरेली ट्रांसफर कर दिया गया। अतीक ने बरेली जेल से भी कई व्यापारियों को धमकाया। अतीक के धमकी वाले ये ऑडियो टेप सोशल मीडिया में वायरल रहते हैं। अतीक को अपने अंजाम का खौफ खाया जा रहा था। क्या होगा उसके गैंगस्टर भाई अशरफ का, क्या होगा उसकी गैंग का, क्या होगा उसके खौफ के कारोबार का, अतीक को अनहोनी का कुछ कुछ अंदाजा हो चला था। लेकिन हकीकत से वो कोसों दूर था। उसे क्या पता था कि वक्त ने उसके गुनाहों की ऐसी सजा मुकर्र की है। जिस प्रयागराज में उसने देश को थर्राने वाले कांड किए, उसी शहर में उसका मौत से ऐसे सामना होने वाला है। सालों के अपराध की कहानी 44 सेकंड में खत्म हो गई। गुनाहों का आगाज आज से करीब 44 साल पहले यानी कि 1979 में हुआ था। उस वक्त प्रयागराज के चकिया मोहल्ले में अतीक का परिवार रहता था। महज 17 साल की उम्र में अतीक अहमद के सिर हत्या का आरोप लगा। दिन महीने हुए और महीने साल, अतीक के नाम गुनाहों की फेहरिस्त जुड़ती चली गई। और 44 साल बाद एक दिन ऐसा भी आया जब सिर्फ 44 सेकंड में अतीक अहमद का अंत हो गया। 44 साल, 44 गुना, 44 सेकंड, सिर्फ 44। यूपी के सबसे बड़े डॉन अतीक के खौफ का अंत हो गया। ना किसी को सोचने का मौका मिला, ना कोई कुछ समझ पाया। जो कुछ भी हो, सब कुछ कैमरे में रिकॉर्ड हुआ। जिस शहर में अतीक अहमद के सरान का खौफनाक कांड, सबूत, गवाह और दस्तावेज भरे पड़े हैं, उसी शहर की सड़क पर ऐसे ढेर हो गया डॉन अतीक अहमद। कैमरे में तीन हमलावर साफ साफ दिखे। तीनों के निशाने पर सिर्फ दो ही शख्स थे, अतीक और उसका भाई अशरफ। अतीक को पहली गोली कनपट्टी पर सटा कर मारी गई। पहली गोली लगते ही अतीक वहीं ढेर हो गया। अशरफ कुछ समझ पाता, उससे पहले हमलावरों की पिस्तौल का निशाना बन गया। 44 सेकंड के हत्याकांड में तीनों हमलावर तब तक गोली चलाते रहे जब तक अतीक और अशरफ मर नहीं गए। एक हमलावर ने गैंगस्टर अतीक अहमद की कनपट्टी पर सटाकर गोली मारी। पहली गोली अतीक को मारी गई, दूसरी गोली अशरफ के सीने में मारी गई। गोली लगते ही दोनों भाई जमीन पर गिर पड़े। इसके बाद भी हमलावर दे दनादन गोलियां दागते रहे। प्रयागराज में अतीक और अशरफ को पुलिस मेडिकल जांच के लिए कॉलमैन अस्पताल ले जा रही थी। मीडिया साथ साथ चलते हुए दोनों से सवाल कर रहा था। तभी अतीक से पूछा गया कि बेटे असद के जनाजे में आपको नहीं ले जाया गया? नहीं ले गए तो नहीं गए, बात ये है कि गुड्डू मुस्लिम। इतना कहते ही ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू हो गई। पुलिस का घेरा तोड़ते हुए तीन तरफ से तीन हमलावरों ने दोनों भाइयों को गोलियों से फूंक डाला।
गोली लगते ही अतीक वहीं पर गिर गया। अतीक की हथकड़ी को पकड़े पुलिसकर्मी को झटका लगा, वो भी घायल हो गया। ऐसा दावा किया जा रहा है कि पुलिसकर्मी के हाथ में गोली लगी है। अगले 10 सेकंड में अशरफ भी भाई अतीक के पास ही गिर गया। 15 अप्रैल की शाम करीब 6:30 बजे अतीक और अशरफ से धूमनगंज थाने में एसटीएफ और यूपी एटीएस के अधिकारियों ने पूछताछ की। फिर करीब 8:30 बजे पुलिस सुरक्षा में दोनों भाइयों को उमेश पाल हत्याकांड में इस्तेमाल हथियार और कारतूस बरामद कराने के लिए कसारी मसारी के जंगल ले जाया गया। घटनास्थल से 2 पिस्टल बरामद की गई, इनमें से 1 अमेरिकी पिस्टल है। साथ ही वहां पुलिस को 55 से अधिक कारतूस भी मिले। हथियार बरामदगी के बाद दोनों को लेकर पुलिस टीम कॉल्विन हॉस्पिटल रवाना हो गई, ताकि दोनों को फिर से थाने ले जाने से पहले उनकी मेडिकल जांच हो जाए। देर रात 10:29 पर पुलिस का काफिला अतीक और अशरफ को लेकर कॉल्विन अस्पताल पहुंचा। वहां दोनों भाई पुलिस वाहन से नीचे उतरे। दोनों के हाथ एक ही हथकड़ी से बंधे थे। दोनों को पुलिस ने घेर कर रखा था। तभी मीडिया ने सवाल पूछना शुरू कर दिया। तभी तीनों हमलावरों ने हत्याकांड को अंजाम दे दिया। गोलियों की गूंज से मौके पर अफरा तफरी मच गई। जो वीडियो सामने आए हैं उनमें साफ साफ दिख रहा है कि पुलिस को कुछ समझ में आता। तब तक तीनों हमलावरों में से एक ने आगे आकर सरेंडर करने की मुद्रा में दोनों हाथ खड़े कर दिए। तभी एक और हमलावर सामने आ गया। वहां मौजूद एक पुलिसकर्मी ने दोनों को दबोच लिया। अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या से पहले एक वीडियो सामने आया है। इसमें अतीक पुलिस जीप से नीचे उतरते हुए दिखाई दे रहा है, लेकिन उससे पहले उसने भीड़ में खड़े किसी अनजान आदमी को इशारा किया था। यह इशारा अतीक ने किसे किया था, ये बड़ा सवाल है। क्या अतीक ने अपनी मौत को खुद बुलाया? वीडियो देखकर ऐसा लग रहा है कि अतीक पुलिस जीप से उतरते वक्त इशारे में किसी को अपनी तरफ बुला रहा था। ये वीडियो हत्याकांड से ठीक पहले का है। बताया जा रहा है कि इस वीडियो के सामने आने के बाद कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। अतीक का ये वीडियो बहुत बड़े राज की तरफ इशारा कर रहा है। अतीक की हत्या के पीछे किसकी साजिश थी? क्या अतीक की हत्या उसके दुश्मन गैंग ने की? क्या अतीक कोई बड़ा खुलासा करने वाला था? मर्डर की फुल प्रूफ प्लानिंग किसने की? अतीक को मारने की प्लानिंग में और कितने लोग शामिल हैं? इन सवालों के जवाब तलाशने में पुलिस लगी हुई है। तीनों हमलावर मीडिया कर्मी बनकर आए थे। इनके नाम सनी, लवलेश तिवारी और अरुण मौर्य। हमले के फौरन बाद ही तीनों ने सरेंडर कर दिया। लवलेश बांदा, अरुण कासगंज और सनी हमीरपुर का रहने वाला है। उनसे हथियार बरामद किए गए हैं। कांस्टेबल मान सिंह को भी गोली लगी है। FIR के मुताबिक तीनों शूटर्स ने बताया है कि वो अतीक अशरफ को मारकर अपराध की दुनिया में नाम कमाना चाहते थे। जब से कोर्ट ने अतीक अशरफ को पुलिस कस्टडी दी थी, तब से ही वो प्रयागराज आ गए थे और मीडिया कर्मी बनकर दोनों को मारने के फिराक में थे और शनिवार को मौका मिल। व्यूअर्स, आप देख रहे हैं आर पार, देश का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम। इस समय की बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है अतीक अहमद वाले मामले में गुड्डू मुस्लिम से जुड़ी है बड़ी, इस समय की बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है। आखिरी लोकेशन कर्नाटक में मिली है। सूत्रों के हवाले से खबर है गुड्डू मुस्लिम की आखिरी लोकेशन कर्नाटक में मिली है। पहले मैं आपको बता दूं, गुड्डू मुस्लिम वही था, गुड्डू बमबाज जो बम चला रहा था। आखिरी लोकेशन कर्नाटक में मिली है। लेकिन अतीक और अशरफ हत्याकांड में एक और बड़ा खुलासा अब से कुछ मिनट बाद हम आर पार में करेंगे। एक बहुत बड़ा खुलासा थोड़ी देर में आर पार में करेंगे। लेकिन इस समय की बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है कि गुड्डू मुस्लिम कर्नाटक में आखिरी लोकेशन मिली है। सवाल यह खड़ा होता है, मेरे साथ इस चर्चा के अंदर तौसीफ खान भी है, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक और टीएमसी के साथ वो जुड़े रहते हैं, आपका भी अभिनंदन है। मैं तौसीफ आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले शादाब आप अपनी बात को समाप्त करें। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, दोहरा मापदंड इसलिए कि एक तरफ तो मुस्लिम एंगल लिया जा रहा है, लेकिन उमेश पाल का जब हत्याकांड हुआ तो कोई एंगल थोड़ी था, सबने बोला कानून व्यवस्था की प्रॉब्लम थी, हो गया। नहीं, बिल्कुल अमीश आपने सही कहा, और उस वक्त भी आपके कार्यक्रम में हमने कहा था कि इस तरह की किलिंग जो है जिसमें पुलिस सुरक्षा दी हुई हो जिस व्यक्ति को, उसकी किलिंग होना कानून व्यवस्था का लचर, कानून व्यवस्था का प्रमाण है। लेकिन जिस व्यक्ति के लिए पुलिस ने अदालत को और जेल को ये बताया हो कि हम इनकी सुरक्षा करेंगे, सुप्रीम कोर्ट से जब सुरक्षा की गुहार लगाई हो तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा हो कि स्टेट मशीनरी पे विश्वास कीजिए, 17 पुलिस वाले नहीं, पर मैं सारी बातें और आपकी सारी बातों को मैं ऊपर रखता हूं, आपकी सारी और वहां के जो अस्पताल नहीं, आपकी सारी बातों को ऊपर, शादाब मैंने आपको मौका दिया अपनी बात को समाप्त करने का, शादाब सुनना पड़ेगा, एक बात बताइए आप
असद ओवैसी कहते हैं हम खुशी मना रहे हैं कि मरने वाला मुसलमान है। मुसलमान वाली बात कहां से आई? जय श्री राम का नारा लगा के इसीलिए तो मारा गया है। जय श्री राम का नारा लगा के असदुद्दीन ओवैसी पर गोली चलाई गई, हमको धमकी दी जाती है, खुशी मनाई जा रही है, रेडिकलाइजेशन खतरनाक है। ये नारा क्यों लगा रहे थे? और भाजपा के युवा मोर्चा, भाजपा के मंत्री सेलिब्रेट कर रहे हैं इसको, ट्वीट किए हैं कि आसमानी फैसला था, न्याय हो गया। अरे भैया, अपनी आसमानी फैसला हो चुकी है, उस पर जश्न आपके लोग मना रहे हैं इसलिए कि वो मुसलमान। बड़ा खुलासा करने जा रहा हूं, अतीक और नहीं गिरना चाहिए अशरफ के हत्याकांड पर। ओके चलमणि त्रिपाठी, चलमणि। अमीश भाई देखिए, ये सारे जो लोग हैं, अबू आजमी से लेके शादाब चौहान, ओवैसी, ये सारे लोग किसके लिए मातम मना रहे हैं? अभी आपने बताया गुड्डू मुस्लिम की आखिरी लोकेशन कर्नाटक में मिली है। अरे भैया, अगर बाबा साहब के संविधान पर भरोसा है, न्यायपालिका पर भरोसा है, तो गुड्डू मुस्लिम खुद को पुलिस खुद को सरेंडर क्यों नहीं कर देता कोर्ट के सामने? असद ने कोर्ट के सामने सरेंडर क्यों नहीं कर दिया? जो गुलाम था उसने कोर्ट के सामने सरेंडर क्यों नहीं कर दिया? और कल को जब पुलिस से मुकाबला होगा, पुलिस मार गिराएगी, तो ये बिलाप करने चले जाएंगे, ये रुदाली गैंग इकट्ठा हो जाएगा कि साहब बड़ा गुनाह हो गया, मार दिया। अगर कानून पे भरोसा होता तो असद भी जाता कोर्ट के भीतर सरेंडर करता, अगर कानून पर भरोसा होता तो गुलाम भी जाता कोर्ट के भीतर सरेंडर करता। आप 150 मुकदमे वाले अतीक अहमद को संत बनाने पर तुले हुए हैं, आप 100 मुकदमे वाले अशरफ को महापुरुष बनाने में तुले हुए हैं। ये संत महापुरुष नहीं थे। हाँ, घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, नहीं होनी चाहिए, लेकिन घटना हुई है तो उस पर विलाप मत करिए, क्योंकि देश के लोगों का मानवाधिकार हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और ये समाजवादी पार्टी से जरा पूछिए कि अतीक अहमद के 2 दर्जन मुकदमे इन्होंने क्यों वापस लिए? 2016 से पहले अतीक अहमद के 2 दर्जन से ज्यादा मुकदमे समाजवादी पार्टी ने वापस लिए, उसको MP बनाया, उसके लगातार उसको संरक्षण देते रहे। राजू पाल की हत्या में कोई कार्रवाई नहीं की। अमित जी, लेकिन हम बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं अतीक और अशरफ के हत्याकांड पर। व्यूअर्स, मैं आपको बता दूं, हम बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं अतीक और अशरफ के हत्याकांड पर, बड़ा खुलासा हम करने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले अतीक अशरफ हत्याकांड पे बड़ा पर्दाफाश हम करने जा रहे हैं अगले कुछ मिनटों के अंदर, अगले कुछ मिनटों के अंदर। अमीक जवाई, देखिए, मैं ये पूछना चाहता हूं कि जब हमने सदन में माननीय अखिलेश यादव जी ने आदरणीय मुख्यमंत्री जी से जब कहा कि 10 टॉप माफियाओं का एक सूची जारी करिए, मुख्यमंत्री जी का आज तक जवाब नहीं आया। हम ही पूछ रहे हैं कि अगर मुख्यमंत्री जी से यह सूबा संभल नहीं रहा है, इतना बड़ा हत्या उमेश पाल का हत्याकांड के बाद दोबारा हत्याकांड बताता है कि ये नाकाम फेल मुख्यमंत्री हैं, ये सूबा नहीं चला पा रहा। आप कह रहे हैं कि, और ये जो चिट्ठी का जिक्र आ रहा है, क्या है ये चिट्ठी? अमित जमाई कह रहे हैं कि आप जब आपका शासन था, मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी लिखा गया है, यानी जब समाजवादी पार्टी का शासन था, हाई कोर्ट को क्या चिट्ठी गई है? तो कानून व्यवस्था बहुत बेहतर थी और अतीक अहमद बहुत डरा हुआ और छुपा हुआ रहता था। आप ये बताने की कोशिश कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ फेल है के पूरे जीवन में, आप ही बोल रहे हैं ना योगी आदित्यनाथ फेल है और आप सफल थे। सुन लीजिए ना, और आप चाहते पब्लिक इस पे यकीन करे। अतीक अहमद के पूरे जीवन में एक बार राजनाथ सिंह जी मुख्यमंत्री थे, कल्याण सिंह जी जब मुख्यमंत्री थी वो पहली बार MLA बने थे। क्या किया इनकी भारतीय जनता पार्टी सरकार ने? हमारा ये कहना कि अगर आरोपों की बात करेंगे तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय केशव मौर्य जी, अगर ये सरकार ना आती तो सारे जघन्य अपराध के जो चार्जेस थे वापस नहीं होते। हमारा यह कहना है कि अगर यह अभिरक्षा में हत्या का मामला नहीं थमा, भारत में एक गलत नजीर होगी, तो फिर अदालत का क्या काम है? अच्छा, एक सेकेंड, अब मैं क्रिमिनल माफियाओं को लगाइए, डिबेट ऑन जेलों में हत्या करवा दीजिए, डिबेट ऑन फैक्ट्स। मैं देखिए, हे वायर पे डिबेट मैं करता नहीं हूं, सबसे चर्चित इस देश की चर्चा है ये। इसने 2016 में किसने केस वापस लिए थे अतीक अहमद पे से? गैंगस्टर एक्ट किसने हटाया था? आप कह रहे हैं ना कि आपके शासन में बहुत सिस्टम अच्छा था, 2016 में गैंगस्टर एक्ट किसने हटाया था? केस वापस किसने लिए थे? जवाब दीजिए। मैं आपसे कह रहा हूं कि जो केस वापस होता है, कोई भी केस जो न्यायालय में जाता है, पूछ रहा हूं चीफ मिनिस्टर अतीक अहमद पर गैंगस्टर एक्ट किसने हटाया था? मैं किसके कहने पर हटाया गया था? मैं कह रहा हूं मेरा यह कहना है कि चीफ मिनिस्टर ऑफिस से कोई केस विड्रॉ नहीं किया गया, जैसे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने अपने ऊपर किया, केशव मौर्य जी ने अपने ऊपर किया, दंगे के फसाद के केस वापस लिए गए। मेरा सवाल अमीश भाई दूसरा, उसको दबाइए मत आप। अभिरक्षा में हत्या का जो ये मामला है, कल दूसरे माफिया, कल तीसरे माफिया, कल चौथे माफिया, कल दूसरी सरकारें, कल तीसरी सरकारें,
अरेस्ट के नजीर स्टेट में सर एक नहीं है, लेकिन होल्ड ऑन, स्टेट में सरकार किसकी थी, वापस किसने लिए केस, आपके शासन ने लिए, समाजवादी पार्टी ने लिए, अतीक अहमद के कुत्ते के साथ कौन हाथ मिला रहा था, कौन हाथ मिला रहा था, 96 में कौन था, 1996 में जो पहली बार विधायक बन के आया, सांसद किस पार्टी ने बनाया, ये सब पार्टियां आई थी सामने, ये मैं पूछ रहा हूँ कि गुजरात 2004 में गुजरात को अतीक अहमद को संरक्षण किसने दिया, शलमणि 30 सेकंड, गुजरात में देखिए इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है, अमीश भाई अतीक अहमद के चंदा लेते हो, समाजवादी पार्टी की सरकार में आपको याद होगा कि उत्तर प्रदेश में सीरियल धमाके हुए, सीरियल धमाकों में जो खूंखार आतंकवादी थे उनके तक मुकदमे वापस लिए, जो गद्दार थे देश से जिन्होंने गद्दारी की, समाजवादी पार्टी ने उनके मुकदमे वापस लिए, मुख्तार अंसारी के मुकदमे वापस लिए, और एक वक्त में तो हाईकोर्ट को टिप्पणी करनी पड़ी कि इन अपराधियों और आतंकवादियों के खिलाफ मुकदमे आप वापस ले रहे हैं, इससे बढ़िया इनको पद्म पुरस्कार दे दीजिए, समाजवादी पार्टी ने हमेशा पाला पोसा, लगातार मुकदमे इन्होंने वापस लिए, और मुझे तो हैरानी होती है कि आज जब अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है तो अपराधियों के रिश्तेदारों को तकलीफ कम हो रही है, देखिए एक वो माँ है गुलाम की, वो कहती है कि बेटा जो मारा गया वो अपराधी था, योगी आदित्यनाथ जी को धन्यवाद उन्होंने ठीक किया, लेकिन रिश्तेदारों को तकलीफ नहीं हो रही है, समाजवादी पार्टी के लोग रो रहे हैं, अमित जो मई जैसे लोग रो रहे हैं, लेकिन एक नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है, मैं सीधा रुख करता हूँ, मेरे साथ तौसीफ खान है, तौसीफ खान समाजवादी पार्टी के नेता है, उनका बड़ा बयान है कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, क्या आपको लगता है कि इसमें धर्म का एंगल नहीं लाना चाहिए, धर्म का एंगल जब आप लाते हैं तो आप खुद इस कानून व्यवस्था की चीज को धार्मिक बनाने का प्रयास करते हैं, विच इज नॉट राइट, विच इज बैड, बहुत ही गलत है वो। तौसीफ खान लगता है तौसीफ तक आवाज नहीं जा पा रही, शादाब चौहान 20 सेकेंड्स, कानून व्यवस्था की हत्या हुई है, वो व्यक्ति जनप्रतिनिधि थे, गलत और सही का फैसला अदालत करती है, बहुत से ऐसे केसेस हैं जिनमें उनको बताया अदालत ने कहा कि ये राजनीतिक द्वेष में एक में उनको सजा हुई, और अगर सजा देना काम अदालत का है, अगर उनको फांसी हो जाती कोई मसला नहीं, लेकिन जिस प्रकार उनकी क्लिंग हुई और क्लिंग के वक्त जय श्री राम का नारा लगाना, यह इस बात को प्रमाणित करता है जो मुख्यमंत्री जी ने सदन में बोला था, मिट्टी में मिला दूंगा, उस भाषा के बाद रेडिकलाइजेशन होने के प्रमाण मिलते हैं, और रेडिकलाइजेशन होने की वजह से उसको हत्या की गई है और पुलिस नाकाम रही है, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश नहीं संभाल पा रहे, हमें मौका दीजिए, एहकाम इलाही निजामे मुस्तफा का राज होगा, सबको न्याय मिल जाएगा, शांति हो जाएगी, ओके, रिजवान अहमद तो आपका भाई तैयार है, आप क्यों परेशान हो रहे मुख्यमंत्री जी, ओके, आप पता मुख्यमंत्री बनने के लिए तैयार हैं, देखिए ऐसा है, सीटें पता नहीं कितनी आई और कितने वोट पड़े, मुझे नहीं पता, क्षत्रिय हूं ना, शलभमणि त्रिपाठी क्षत्रिय नहीं है, शादाब चौहान क्षत्रिय है, भैया ठीक है भैया, अब आप मुख्यमंत्री बनिए, घर के अंदर कुछ भी बनिए, कौन कौन तलवार मार रहा है, तलवार के आगे कनवा चौधरी और यहाँ डिंगे मार रहे हैं, अरे अरे तुम्हारी उतरवा देंगे, बकवास है, चलो भाई बदतमीजी नहीं, कन्वर्ट हो गए थे और कन्वर्ट होने के बाद डिंगे मार रहे हैं, अगर तलवार के आगे यानी क्षत्रिय लाल लगा रहे क्षत्रिय पे, मुख्यमंत्री ने की अगर डर की बात है मुख्यमंत्री परिवर्तित हो जाएंगे, अरे शर्म करिए शराब भाई, यही काम है, ब्राह्मण हमेशा क्षत्रियों को टारगेट करते हैं, ये बदतमीजी नहीं चलेगी, कब तक ब्राह्मण क्षत्रियों को गाली देगा, अरे क्षत्रिय मुख्यमंत्री भी है, क्षत्रिय रक्षा मंत्री भी है, किसी के बाप की औकात नहीं तो हमें डरा सकता है, समझ गए, शलभ आपको ऑडियो ठीक नहीं आ रहा, औकात मेरा क्या बात करना, क्षत्रिय हूँ समझ गया ना, किसी के मरा हो गया क्षत्रिय को डराएगा, एक सेकंड भाषा की मर्यादा रखिए आप, भाषा की मर्यादा रखिए आप, योगी आदित्यनाथ को नहीं डरा सकता कोई, एक सेकंड शदाब चौहान चुने हुए विधायक है, शलभ मणि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, योगी आदित्यनाथ एक सेकंड शलभ आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही, रिजवान अहमद जी हाँ शुक्रिया, देखिए ऐसा है, क्या तो आपको लगता है मुसलमानों पर दबाव बनाया जा रहा है, इनके ओवैसी साहब जो सपा नेता ने बोला, जो ओवैसी बोल रहे, जो कल ओवैसी साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है वो अगर आप क्लिप निकाल सकते हैं तो उसमें उन्होंने तीन बार बोला मुसलमान एक्स एमपी, तीन बार बोला है, तो भैया हिंदू मुसलमान तुमने शुरू कर दिया, जब उमेश पाल की हत्या हुई थी तो किसने कहा था ओबीसी हिंदू मार दिया, किसने कहा था संदीप निषाद ओबीसी पुलिस वाला मार दिया, किसने कहा था राघवेंद्र सिंह ठाकुर पुलिस वाला मार दिया, किसी ने नहीं कहा था ना,
लेकिन तुम अपनी पीसी में बोल रहे हो, और आज नहीं उस दिन भी तुमने असद से रिश्तेदारी कर ली थी, जब जंगल में असद को गोलियां मारी गई 10 ठो, तब भी तुम्हारे दिल में दर्द हो रहा था, पेट में दर्द हो रहा था, जतीक के लिए भी हो रहा है। तो हिंदू मुसलमान तो भाई तुमने शुरू किया है, उमेश को तो किसी ने हिंदू नहीं बोला, पहली चीज। दूसरी चीज ये बताइए अमीश भाई, जरा सबसे मैं पूछना चाहता हूं, ये मोहम्मद नईम और मोहम्मद फकरुद्दीन, जैसे फैलू का हो गया या जैसे अखलाक का हो गया, अगर मैं पूछूं, अच्छा ये बताओ ये दो कौन थे, बता देंगे? अब जल्दी जल्दी गूगल भले कर ले, मिलेगा नहीं। बता, तौसीफ खान, तौसीफ खान जवाब, ये बताऊं कौन थे? जी तौसीफ खान को पता है शायद, तौसीफ खान। नहीं मैं बता दूं कौन थे, रुक तो जाइए एक मिनट, बता दूं मैं, बता दूं, जवाब नहीं मिलेगा, नहीं देखिए जवाब नहीं है इनके पास, लाइन डिस्कनेक्ट। ये दो लड़के थे जिनको 2015 में और 17 में तेलंगाना पुलिस ने पकड़ के मारा था, लेकिन इनका ये लोग नाम तक नहीं जानते होंगे, क्योंकि तेलंगाना में ओएसी की और केसीआर की इलू इलू चलती है, तो ओएसी को अपना खुदा मानने वाले कहेंगे नहीं भैया हमें तो नईम से भी नहीं मतलब और हमें वकरुद्दीन से भी नहीं मतलब, क्योंकि उनका इनकाउंटर तेलंगाना वाले ने किया था जो इनका रिश्तेदार लगता है। अगर नईम का और वकरुद्दीन का इनकाउंटर यूपी में हुआ होता तो आय हाय 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 उनके नाम पर कम से कम 25 बार डिबेट हो गए होते। तो इन लोगों को प्यार असद से भी नहीं है, इनको प्यार अतीक से भी नहीं है। अमित जवाई जवाब। अरे भाई कोई पूछता भी ना, समाजवादी पार्टी और ओवैसी साहब की बोली एक है इस विषय पर, आपके नेता जो बोल रहे हैं ओवैसी जो बोल रहे हैं एक ही बात है। चलिए अमीश भाई जरा वापस आते हैं उत्तर प्रदेश की डिबेट पे। लॉ एंड ऑर्डर का ये हाल है अमीश देवगन जी, आज जालौन में एक बेटी पढ़ने जा रही थी गोलियों से भून दिया गया, बलिया में एक छात्र नेता की अभी एक हफ्ता भी नहीं हुआ है गोलियों से भून कर हत्या कर दी गई, अपराधी क्योंकि एक विशेष जाति के कुछ कहना उनका आरक्षण है, कानपुर देहात में जब एक ब्राह्मण बेटी और माँ को मारा गया वहां पे ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष को जूते जूते भाजपाइयों ने मारा, लेकिन शलभ मणि त्रिपाठी को गुस्सा नहीं आया क्योंकि इनकी हैसियत नहीं है ना। शलभ मणि त्रिपाठी चुप रहो, जब बोलो बीच में मत बोलो। अरे जब कानपुर देहात में ब्राह्मण महासभा को जूता जूता से भाजपाइयों ने मारा तो शलभ मणि त्रिपाठी का मुंह सिल गया था। फेक इनकाउंटर में एक गुर्जर मामले में पुलिस पे FIR हुई है, अभी उत्तर प्रदेश में आंदोलन चल रहा है। हमारा यह कहना है कि फेक इनकाउंटर का खेल खत्म करिए। ठीक है रिजवान जवाब देना चाह रहे हैं। उत्तर प्रदेश ठीक है रिजवान अहमद, आपका मौका है रिजवान अहमद, आपको मौका है, आपने बोला अमित भाई कि वो चीफ मिनिस्टर बन के रह जाए उत्तर प्रदेश के, नहीं है कोई अधिकार मुख्यमंत्री बनने का। अपराधी एक विशेष जाति से, आदित्य राणा बिजनौर वाला कौन सी जाति से था? आदित्य राणा अमित जमाई बता दीजिए, 5 लाख का इनामी बदमाश। 20 सेकंड ओके दिए रिजवान अहमद भाई, ऐसा है ना अमित भाई हमारे उत्तर प्रदेश ब्राह्मणों का इनकाउंटर होता है। भाषा की मर्यादा रखें अमित जमाई, आपके बीच में नहीं बोले अमित भाई, मैंने सवाल पूछा उनसे रिजवान अहमद, 30 सेकंड अमित भाई अभी बात आई फेक एनकाउंटर की, बहुत अच्छे मौके पर बात आई, और इन्होंने ये भी बोला कि योगी को इस्तीफा देना चाहिए। तो 2019 में हैदराबाद में 4 लोगों ने एक लड़की का बलात्कार करके मार दिया, उसका फिर ब्रिज के नीचे एनकाउंटर हो गया, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 11 पुलिस वालों को 7 दिन पहले सजा दे दी। अरे यार तुमने KCR का इस्तीफा तो नहीं मांगा, उससे कौन सी रिश्तेदारी है तुम्हारी? अमित जवाई ऐसा है ना, अगर तुम्हारा भी फेक एनकाउंटर करेगा ना योगी सरकार, हम तब भी बोलेंगे, भले हम आपसे असहमत हैं। हमारा यह कहना है कि मुख्यमंत्री हमारा ब्यूरोक्रेसी नहीं संभाल पा रहे हैं। आज जालौन में एक बेटी की हत्या हो गई, एक बेटी को छात्र को मार दिया गया, जतिन प्रसाद जो इनके मंत्री हैं शलभ भाई के, उसके पास लंबी लिस्ट है, वो आंदोलन चला रहा था जब भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया कि ब्राह्मणों का फेक इनकाउंटर हुआ, जिले वाइज लिस्ट है। अरे शलभ भाई दे दो ना इसको, ये जो 20 का आदमी प्राइम मिनिस्टर का एडवाइजर बनना चाहता है, एक लिस्ट पकड़ाओ, पढ़ लिख कराए, यूपी के बारे में जानता नहीं है, बीच में आकर बहस करने के लिए
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रिजवान अहमद जवाब चला पा रहे हैं अमित जमाई की बात का। चलो मैं आपको बताऊंगा, आपको ऑडियो ठीक नहीं आ रहा और तौसीफ खान आपको ऑडियो भी नहीं आ रहा, वकालत भी नहीं चल रही है शलभ जी से बात करूंगा। शलभ जी, मुझे नीतियों पर विचारधारा पे हमारा टकराव है, लेकिन एक सार्थक बहस होती है। ये कौन आदमी है, कहां से लाते उसको पकड़ के आप? ये पेशे से वकील है और अक्सर आपको कई चैनल्स पे कमेंट्री करते हुए दिख जाते हैं। वो छोटा वकील है। नहीं, हम छोटा वकील है, वो बोला है, वो जवाब दे, बोला हम क्यों उसको जवाब दें? ये कौन है? ठीक है, आरएसएस है, वीएसपी है, बजरंग दल है, अरे कुछ तो हो, कौन है भाई? बजरंग दल हो, फिदाइन हो, कुछ तो बताओ, अपना नाम पता। रिजवान अहमद का नाम और पता चाहिए आपको। करते हैं आप लोग, आइंदा ना बुलाया करिए मुझको जब तक कोई ढंग का आपके पास पैनल ना हो। ओके रिजवान अहमद, रिजवान अहमद लगता है उन तक आवाज नहीं जा रही। शलभ त्रिपाठी, मेरी आवाज मिल रही है क्या अमीश आपको? जी जी जी, देखिए मैं तो बहुत स्पष्ट तौर पे कह रहा हूं कि देखिए रुदाली गैंग लाख रुदाली करता रहे। मुख्यमंत्री जी ने कहा ना कि मिट्टी में मिलाएंगे, और डंके की चोट पे कहता हूं मिट्टी में मिलाएंगे। उत्तर प्रदेश आज खुशी मना रहा है, किस बात की खुशी? कि 2017 के पहले यही लोग थे ना कि पूरे उत्तर प्रदेश को क्लस्टर में बांट रखा था। पूर्वांचल मुख्तार अंसारी लूटता था, प्रयागराज अतीक अहमद लूटता था, पश्चिम का इलाका मुकीम काला लूटता था, और शहाबुद्दीन बिहार से मदद करता था। पूरा उत्तर प्रदेश 2017 के पहले ये क्लस्टर में बांट के समाजवादी पार्टी ने गुंडे माफियाओं के हवाले उत्तर प्रदेश को सौंप दिया था। 2017 के बाद क्या बदलाव आया? योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हुए, अतीक अहमद को उत्तर प्रदेश में डर लगने लगा, मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश में डर लगने लगा, मुकीम काला मारा गया, बद्दो यहां आने को तैयार नहीं है। आप देखिए क्या किस तरह की स्थिति है, परिवर्तन है। और आज हम उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ की जो जनता है, महान जनता, उनके मानवाधिकार का सम्मान करने के लिए बैठे हैं। लेकिन शलभ मानवाधिकार की चिंता करने के लिए बैठे हैं। जी 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 जी, ओके अमित जमाई, 2017 से पहले हालात हम सब जानते हैं क्या थे। शलभ भाई, आजम खान सूबे के आजम खान को पश्चिमी उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री माना जाता था। नहीं, शलभ भाई, तब भाजपाई दिल से हृदय से नहीं हुआ करते थे, तब ये बड़े जानदार पत्रकार थे, इनके सामने समाजवादी पार्टी की सरकार चली। शलभ भाई, क्या ये सही नहीं है कि मुख्तार अंसारी साहब के जिस दिन ज्वाइनिंग हुआ 24 घंटे में उनका रास्ता दिखा दिया गया, अतीक अहमद स्टेज पे चढ़े, अखिलेश यादव जी ने उनको नीचे रास्ता दिखा दिया, क्या ये बस सही नहीं? डीपी यादव का क्या हुआ? ओम प्रकाश राजभर ने खुलासा कर दिया। नहीं, डीपी यादव का क्या हुआ? ओम प्रकाश राजभर बोलने दीजिए ना, मुख्तार अंसारी का बेटा किस पार्टी से एमएलए है? डीपी यादव का क्या हुआ आप बताइए ना अमी भाई, ईमानदारी से बताइए, डीपी यादव का क्या हुआ? बेटे ने भाषण दिया था, नहीं दिया था? नहीं दिए। हमारी सरकार समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी, अधिकारियों को जूतों से पीटेंगे, आप बताइए। नहीं, मुख्तार अंसारी के बेटे ने किस दम पे भाषण दिया था? माननीय समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी, अधिकारियों को सबक सिखाएंगे, उनको जूतों से पीटेंगे, आप बताइए। मुख्यमंत्री बने, मुख्यमंत्री बने, सुन तो लीजिए, सुन तो लीजिए भाई, अरे सरकार है आपकी, आपका बेटा किस पार्टी से मिले? विधायक आपका बेटा किस पार्टी से मिले? अरे विपक्ष की सुन, मुख्तार अंसारी का बेटा किस पार्टी से मिले? तौसीफ खान हम लंबे अरसे से उनको उनके पास जाने का प्रयास कर रहे हैं। तौसीफ भाई, आपको मेरी आवाज मिल रही है इस समय? मैं फोर्थ टाइम आ रहा हूँ आपके पास। हाँ, आवाज आ रही है। तौसीफ खान, ममता बनर्जी उमेश पाल के हत्याकांड पे तो नहीं बोली थी, लेकिन अतीक पर बोल रही है, क्या आपको लगता है कि दोनों की तस्वीरें एक जैसी हैं? पुलिस सिक्योरिटी में दोनों को मारा गया है, क्या आपको लगता नहीं है कि धर्म देखकर अगर बोला जाएगा तो क्या फायदा फिर उसका? नहीं, तब शायद आपने सेलेक्टिवली न्यूज़ को फॉलो किया है, या आपने सेलेक्टिवली इस बात को रख रहे हैं। जब कोई भी टोटल जितने भी इनकाउंटर्स हुए, आज भी पीआईएल फाइल हुआ है कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में दर्ज हुआ है, वो सारे फेक इनकाउंटर्स को लेकर के, सारे हत्या को लेकर के है, कोई पर्टिकुलरली चुन चुन करके नहीं है। तो लोग सारे हत्याओं को लेकर के उसका विरोध कर रहे हैं। सवाल खड़ा है कि बाबा ने जो अपने आप को
बड़ा वो क्या कहते हैं बुलडोजर बाबा कहते हैं, बड़ा खुश होते हैं, तो वे बाबा से उत्तर प्रदेश नहीं संभल रहा है, ये लोगों ने सवाल खड़ा किया है। आज सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश पुलिस ने गारंटी दिया था, अतीक अहमद उत्तर सुप्रीम कोर्ट में आए थे, उन्होंने बोला था कि मेरे जान को खतरा है, मुझे मार दिया जाएगा, और उत्तर प्रदेश की पुलिस ने कहा था कि नहीं हम प्रोटेक्शन देंगे, और वो प्रोटेक्शन देने के बावजूद हथकड़ी में बंधे हुए कैमरा के सामने, पुलिस अफसर के सामने गोली मार दिया गया। इसे एग्जीक्यूशन कहते हैं। ऐसा एग्जीक्यूशन जर्मनी में हिटलर ने ज्यूज के साथ किया था, हाथ में हथकड़ी लगा करके पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली मार करके एग्जीक्यूट किया जाता है। तो ये किसी को मार दिया जाएगा, ये फैसला कोर्ट करेगा। तीन अपराधी आए, उन्होंने गोली चलाई, ना तो कोई यहाँ पे कोई माफिया पकड़ लिया गया, चाहे वो बाबा बुलडोजर बाबा का माफिया हो, चाहे वो किसी का भी माफिया हो, उन्हें मौके पे पकड़ लिया गया। तीन अपराधी आए, उन्होंने गोली चलाई, उनको मौके पर मौके वारदात पे पकड़ लिया गया। और आप इसको हिटलर, ओके रिजवान अहमद कुछ कहना चाहते हैं? रिजवान अहमद 40-45 सेकंड तक फायरिंग चलती रही उनके खिलाफ, रिजवान अहमद नहीं ओपन हुआ, रिजवान अहमद 45 सेकंड तक, ठीक है रिजवान अहमद, ओके रिजवान अहमद भाई, कोर्ट जो है एक सेकंड, ओके यू मेड योर पॉइंट तौसीफ, चाहे कोई रिजवान अहमद भाई देखिए, चाहे कोई आतंकवाद के इल्जाम में पकड़ा जाए, जो कोर्ट्स हैं वो एविडेंस देखते हैं। बहुत से मुसलमान भी छोड़ दिए जाते हैं जिनके खिलाफ एविडेंस नहीं मिलते। अभी मलियाना की जो किलिंग थी उसमें 38 लोग छोड़ दिए गए क्योंकि सबूत नहीं मिले, लेकिन 68 लोग मारे गए थे, वो दोनों बात भूल जाइए। मैं सिर्फ एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूं, अफजल गुरु से लेके अब तक और अब से लेके आगे तक जिन जिन मुसलमानों को आतंकवाद के लिए फांसी की सजा मिलेगी और वो रस्से पे टंगाए जाएंगे, आपके पैनल पे बैठे लोग उस बात का समर्थन करते हैं या नहीं करते हैं? और अफजल गुरु की फांसी पे सुप्रीम कोर्ट को बधाई नहीं दी तो आज दे दो, सबके सामने दे दो। तौसीफ 10 सेकंड्स। अरे देखिए रिजवान अहमद ने पिछले साल आपके शो में थे शायद, एडमिट किया था कि वो छोटे वकील है, वो छोटे सवाल और छोटे सोच ही रखते हैं। आज मुद्दा उत्तर प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर का है, और ये कहां चले जा रहे अफजल गुरु, क्योंकि इनको तो मालूम नहीं है कि रेलेवेंट क्या है, पर्टिनेंट क्या है। आज जब सवाल पूरी अपोजिशन उठा रही है, सवाल तो ये भी खड़ा होगा ना कि प्रदेश ने स्पेसिफिक अतीक अहमद के केस पे खड़ा किया। लेकिन अतीक अहमद ऐसा किसके बारे में बोलने वाला था जिसने उसकी हत्या करा दी? क्योंकि एक लेटर बॉम्ब भी है, उसके भाई के पास क्या जानकारी थी? ये तमाम सवाल खड़े होंगे। और सवाल ये भी खड़े होगा कि आखिरकार अतीक अहमद के पास क्या किसी बड़े नेता का कोई राज था, उसकी कोई मदद कर रहा था, उसका कोई बड़ा राज था जिसको वो एक्सपोज करने वाला था? ये तमाम थ्योरीज है। लेकिन अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या के बाद जोरदार जुबानी स्टंटबाजी चल रही है। कुछ नेता इसे धार्मिक एंगल दे रहे हैं, कुछ देश के में भाईचारे को खतरा बता रहे हैं। इसलिए आज यह समझाना बेहद आवश्यक हो जाता है कि अतीक अहमद होने का मतलब असल में है क्या। अतीक अहमद पर 100 से ज्यादा केस चल रहे थे, अतीक के भाई अशरफ पर 57 केस चल रहे थे, अतीक अहमद की पत्नी शायस्ता परवीन जो उमेश पाल की हत्या के बाद से फरार है उस पर 50,000 रुपए का इनाम है, अतीक अहमद का तीसरे नंबर का बेटा असद अहमद उमेश पाल की हत्या का आरोपी था, उसे पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया, अतीक अहमद का बड़ा बेटा उमर अहमद लखनऊ जेल में बंद है, दूसरा बेटा अली अहमद नैनी जेल में है, और सबसे छोटा बेटा और अजम और अबान बाल सुधार गृह में है। अतीक अहमद की पत्नी पर 4 केस जबकि बड़े बेटे पर 6 और दूसरे बेटे पर 2 केस चल रहे हैं। अतीक अहमद और अशरफ का आपराधिक इतिहास कितना क्रूर था इसका अनुमान इससे लगाइए कि 2005 में राजू पाल पर 25 शार्प शूटर्स ने ताबड़तोड़ फायरिंग की, कुछ लोग उन्हें लेकर अस्पताल जाने लगे तो शार्प शूटर्स ने उनका पीछा किया और अस्पताल में स्ट्रेचर पर राजू पाल पर तब तक फायरिंग की गई जब तक उसका शरीर छलनी नहीं हो गया। राजू पाल हत्याकांड में मुख्य गवाह उमेश पाल को भी इसी तरह से मारा गया था, उसकी हत्या भी देश ने देखी थी, सब ने देखी थी। तो यह था अतीक और अतीक के परिवार का इतिहास। आर पार में इतना ही, नमस्कार।